अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। आज मैं आप लोगों को हल्का फुल्का सा है दिखा रही हूँ कि किस तरह ये ट्राउज़र को मैंने बीच में ये लेस लगाई है, पट्टियाँ पहले काट के फिर ये लेस लगाई है। लेस लगा के मैं इसका शलवार का पोंचा बना रही हूँ। तो देखें, बिल्कुल आसान है, आप जो भी बनाना चाहें कुछ भी मुश्किल नहीं है। महंगाई इतनी आ गई है कि एक बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता घर के पूरे खर्चे, तो इंसान को ख़ुद को चाहिए कि कुछ करे। ये देखिए, तीन स्टेप में मैंने एक पांचे पे बना दिया और तीन दूसरे दूसरा बना रही हूँ। तो देख लें, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी टाइम निकाल के मेहनत करनी है। अपने बच्चों के लिए खुद कपड़े बनाएं, क्योंकि अब टेलर भी बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं पैसे के। बंदा नहीं कर सकता, क्या क्या करे, घर के खर्चे करे, बिजली के करे। तो इंसान को ख़ुद को भी सोचना चाहिए, अपने घर में हेल्प करो सबकी, तो बोझ ना पड़े। तो चलो, सिलाई वगैरह जो जो इंसान कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, जो जो कर सकता है तो वो करे अपनी हेल्प अपने घर वालों से। तो मैंने कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की और इतना खूबसूरत माशाल्लाह मैंने सूट बना लिया। अपने बच्चों के मैं खुद ही सिलाई कर रही हूँ सबके। तो आप, ये ट्राउज़र मैंने बना लिया, अब मैं इसकी शर्ट बना रही हूँ। तो इसका गला देखना, गला मैंने कॉलर लगाया है, रोप का डिज़ाइन बनाया है मैंने, रोप बना के उसमें लेस भी लगाई है पेटी वाली जगह पे, और उसके बाद मैंने इसका गला कॉलर वाला लगाया है। देख ले मैं किस तरह लगा रही हूँ, ये देखिए, कुछ सिंपल सा है, कोई भी मेहनत नहीं। तकरीबन मैंने 2 घंटे में ये सूट पूरा बना लिया, 2 घंटे, वो भी उठ बीच में कुछ और भी काम किया है, वरना ये 1 घंटे भी तैयार हो सकता है, क्योंकि कोई भी मुश्किल नहीं है, इंसान जो करना चाहे कर सकता है। अच्छा, ये और भी हैं डिज़ाइन, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल मेरी सिलाई जारी है, तो सीज़न आने से पहले गर्मियों का, तो मैंने कहा चलो टाइम फालतू तो इधर उधर ना गुजरे, अपने बच्चों के कपड़े ही बना लूं। तो काफ़ी डिज़ाइनिंग है, तो आपको वो भी दिखाऊंगी। किसी में मैंने ज़्यादा मेहनत की है, किसी में थोड़ी मेहनत की है, ये तो फिर वो हिसाब होता है ना कि आपका टाइम कितनी कितने आपके पास टाइम है, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा मेहनत करें थोड़ा करें। तो किसी को मैंने ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा टाइम दिया है, किसी को मैंने बस सादगी में रखा है, लेकिन सारे मैंने डिज़ाइनिंग वाले किए हैं कि मेरे बच्चे भी एंजॉय करें गर्मियों के सीज़न के कपड़ों को। बहुत प्यारा बनाया है, तो आप भी अपने बच्चों का इस तरह प्यारे प्यारे कपड़े बनाएं, आप भी खुश हों, बच्चे भी माशाल्लाह खुश होते हैं जब उनको पता, यानी वो देखते हैं कि हमारी माँ ने हमें मेहनत करके इतनी प्यारे बना के दिए। तो ये कॉलर जो है मैंने मशीन पे लगाया है, वैसे आप हाथ पे लगाएं तो ज़्यादा सफाई आएगी, जैसे आपको आसान लगे।